देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं दोस्त आप लोग के लिए बहुत ही खास, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि भैया फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, फिजिक्स स्टार्ट कीजिए। तो फिजिक्स मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं एंड नहीं करूँगा। बोलिए भाई एंड नहीं करिएगा तो कैसे होगा? एंड आप लोग को करवाना होगा, आप लोग को मेरे साथ रहना होगा, जुड़े होंगे, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी मेहनत लेंगे। तो मैं अकेले सिंगल मेहनत नहीं करूँगा, आप लोग भी रहिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा, तभी मैं मेहनत कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और साथ में इंग्लिश सपोर्ट कर सकता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट दिखाइए, आप लोग बोलिए कि नहीं भैया बस हमको चाहिए तो चाहिए, हम आप लोग को फुल सपोर्ट करेंगे, बस भैया मेरा कंप्लीट करा दीजिए। और याद रखिए, अगर मेरे से जुड़ गए, मेरा 19 नंबर फिजिक्स में है, एक सेकंड, मेरा है 90 नंबर है, ठीक है, फिजिक्स में। मैं चाहूँगा कि 90 प्लस हर एक स्टूडेंट 90 प्लस करे, घर पर रह कर दिखा देना है कि मुझ में भी पावर है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यूट्यूब से पढ़े, एक रुपया पैसा खर्च नहीं होगा और सब कुछ सीख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। और 90 प्लस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने एक बार पढ़ा तो 90 आया, मैं अब सेकेंड बार पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरा 90 प्लस आना चाहिए। तो सेकेंड बार में आप लोग हैं तो आप लोग 90 प्लस करिएगा, क्योंकि मैं वैसा स्टूडेंट हूँ जो एक बार पढ़कर पढ़ाना स्टार्ट किया। और आप लोग क्या हैं, आप लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो मेरे से आप लोग का डबल होगा, क्योंकि भैया पढ़े हैं, जान रहे हैं कौन लॉन्ग है, कौन शॉर्ट है, कौन 3 नंबर का है, कौन 5 नंबर का है, कौन ऑब्जेक्टिव है, कौन सब्जेक्टिव है। यह सब चीज़ जो आप लोग जान समझ जाइएगा ना, विद द हेल्प ऑफ मी, मेरे मदद से आप लोग अगर जानिएगा तो आप लोग आसान हो जाएगा। 90 प्लस मेरा टारगेट रहेगा कि किसी भी हाल में मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं 90 प्लस करवा दें। एक स्टूडेंट बोल रहा था भैया हमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, डोंट वरी, न्यूमेरिकल आ जाएंगे। और जैक बोर्ड में न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, डेरिवेशन पे फुल्ली कमांड होना चाहिए। तो डेरिवेशन कैसे होंगे आपको एक बार देखना होगा, देख के पढ़ना होगा, सेकंड बार खुद से बना के देखना होगा, तो ऐसे डेरिवेशन आ जाते हैं। सब कुछ करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा चैप्टर है, इसमें केवल डेरिवेशन भरा हुआ, केवल डेरिवेशन पढ़ लोगे ना, इसमें 5 चैप्टर छोटे छोटे हैं। मैंने जो पढ़ा था तो 2 ही चैप्टर पढ़ा था। ये जो नोट्स है ना, इंटरसाइंस कॉलेज का नोट्स है, लेकिन बहुत पुराना नोट्स है, बहुत पहले का, 2019 का नोट्स है। जब मैं एडमिशन लिया था ना तो उस समय नया, मतलब बाद में पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो कॉलेज में, तो मैं घर पे ऑनलाइन ही पढ़ने लगा था, तो वेबसाइट पर नोट्स मिला, तो वहीं से नोट्स को पुराना को डाउनलोड करके अब पढ़ने लगा था। और बाकी बाद में जब एडमिशन हुआ तो नया नोट्स में तो 5 चैप्टर थे, इस बार 5 चैप्टर है, लेकिन पुराने नोट्स में 2 ही चैप्टर थे ना, और वही दोनों को मैं पढ़ा हूँ। तो एक लड़की से नोट्स मांगा, मैंने सारा नोट्स डिलीट कर दिया था, हटा दिया था कि अब तो काम नहीं है। लेकिन एक लड़की थी, क्या नाम है उसको, दिव्या, तो उससे बोले कि मेरे चैनल से जुड़ी हुई है, तो उसी को बोले कि दो, तो देखो पुराना नोट्स भेज दी। तो बहुत ही अच्छा हो गया, जो नोट्स मैं पढ़ा हूँ वही नोट्स आपको मिल रहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा भी सोचना नहीं, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, और फुली सपोर्ट दिखा देना है, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर फुली सपोर्ट कर दूँ, नहीं मेरे से भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और मैं जो नंबर लाया हूँ मैं इससे ज़्यादा ला कर दिखा सकता हूँ। बस बिना टाइम वेस्ट किए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं, जो कि 8 नंबर का बहुत बड़ा है। फिजिक्स में 8 नंबर बहुत मायने रखता है, सब छोटा छोटा से, कोई 2 नंबर का, कोई 4 नंबर कैसे मिलेंगे। आप एक 4 नंबर का पढ़िएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स छोटा चैप्टर है, तो कुछ कुछ छोटे होते हैं लेकिन कुछ कुछ बड़े होते हैं। और जब सब्जेक्टिव होते हैं तो बहुत सारे डेरिवेशन 8 नंबर का आता है, इसमें से सब्जेक्टिव होंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव होंगे तो क्या करेंगे भैया, सब्जेक्टिव का नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सब सारा डेरिवेशन को देखेंगे, समझेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे जितना थ्योरेटिकल में पढ़ते थे, बस फॉर्मूला याद रखेंगे, कौन फॉर्मूला है, कैसे, क्या है, डिफिनेशन है, क्या है, बात को समझ गए। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग फुल सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को शेयर करिए, बताइए और स्टूडेंट को जोड़िए कि नहीं भैया पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, समझ में आता है तब एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, एक दिन पढ़ाऊंगा, बोलिए कि भैया हाँ समझ में आ रहा है, तभी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा यूनिट बड़ा चैप्टर का जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपका करियर का सवाल है, आपका करियर का सवाल है। तो समझ में नहीं आएगा, भैया के नाम से पढ़िएगा और फिर बाद में भैया को क्या बोलिएगा, दूसिएगा। एक भैया मिले थे तो दुआ, हमको बद्दुआ लगेगा, बद्दुआ लगेगा तो मैं करियर में क्या हो जाऊँगा, करियर में मैं फेल हो जाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं करियर में फेल हो जाऊँ, बात को समझ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग को फुली सपोर्ट दिखाना होगा और समझ में आएगा तभी पढ़ना होगा। स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफिनेशन के साथ, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, बहुत बहुत खुशी होगा आप लोग को कि आप लोग भैया स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 नंबर के आते हैं, मैंने सिलेबस मैंने बता दिया था, चैनल देखिए सिलेबस में डाला हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, पढ़ना स्टार्ट कर, दिन रात पढ़िए, मेहनत तूफान हो जाना, कहीं नहीं जाना है, घर पर रहना, जो होगा देखा जाएगा एक साल बाद। अगर नहीं आएगा 90 प्लस तो कहिएगा कि भैया आप तो केवल बात करते हैं, बात बनाते हैं आप तो, क्योंकि मैं जान रहा हूँ 90 प्लस कैसे आते हैं, कहाँ सब्जेक्ट कहाँ क्या करना है, पता है सब कुछ, सब कुछ बनाया हुआ, प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन सब कुछ बनाया हुआ मेरे पास, सारा नोट्स में है। मैं अपना नोट्स नहीं बता रहा हूँ, मेरा हैंडराइटिंग खराब है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कॉलेज का नोट्स से बता रहा हूँ, तो मैं जिससे पढ़ा तो मेरा ही नोट्स ना हुआ, तो मैं इससे बताने की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब कॉपी में बताऊँगा तो राइटिंग खराब है, दिक्कत होगा ना।
तो चलिए 5 मिनट वेस्ट हुआ, अभी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है 9142042534, इतना कोई हेल्प नहीं करता जितना मैं कर रहा हूँ। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन पार्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स दो पार्ट में बटा हुआ है, वही नया इंटर साइंस कॉलेज में नया में चैप्टर बांट दिया है, इसमें 3 चैप्टर कर दिया, 2 चैप्टर 5 चैप्टर बांट दिया। देखिए इंटर साइंस कॉलेज का सब कुछ ठीक है, रूटीन खराब रहता है, आज कोई पढ़ाई होगा कल वो, कोई रूटीन सिस्टम नहीं है, इसलिए बहुत लोड प्रेशर देता है। आज इसको पढ़ाया स्टार्ट किया ना तो कल दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, पर समझ में नहीं आएगा कौन पढ़े कौन छोड़ दे कौन क्या करे, तो बहुत दिक्कत वहाँ पर होता है। लेकिन यूट्यूब से वीडियो से तो बहुत अच्छा है, एक चैप्टर खत्म करिएगा तब दूसरा पढ़ेंगे। तो मैंने तो बहुत बार बहस सर से किया, वैसे पढ़ाई नहीं होता सर, लेकिन कोई नहीं सुनता बाहर में ना, तो चलिए वो सब तो होते रहेंगे। बाकी आप कुछ पर्सनली पूछना होगा, कोई दिक्कत होगा और सब्जेक्ट में दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा, मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूँ सारा, ठीक है ना। तो चलिए तो बात कर रहे थे पार्ट वन पार्ट टू में, तो पार्ट वन में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पहला चैप्टर पढ़ना होगा, सेकंड चैप्टर पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थर्ड चैप्टर पढ़ना होगा गॉसियन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो तीनों चैप्टर को इसी पीडीएफ में हम लोग आज ही देख लेंगे, ठीक है। आज मतलब जब तक चलेगा जितना वीडियो जितने लेक्चर में कंप्लीट होंगे। पार्ट बी में हम लोग देखेंगे दो, पहला देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और देखिए इंग्लिश इकोनॉमिक्स को हमको जब टाइम मिलेगा तब उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, लेकिन फिजिक्स डेली चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा तो डेली चलना होगा फिजिक्स को। इंग्लिश इकोनॉमिक्स हमको जब टाइम मिलेगा मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना होगा। 11th क्लास का ही वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि 11th के मेरे पास स्टूडेंट है नहीं, वीडियो देख नहीं रहे, तो इसीलिए टाइम वेस्ट हो जाता है, जब आएंगे स्टूडेंट तो देखा जाएगा, ठीक है। 11th का भी नहीं बनेंगे, 12th के चलेंगे रेगुलर, ठीक है ना। चलिए तो आज फर्स्ट दिन है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बाकी आप लोग बताइए कैसे पढ़ाना क्या करना है, बोर्ड वगैरह बोलिएगा तो मेरे पास बोर्ड वगैरह भी है, बोर्ड से पढ़ा दूंगा, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो उतना मेरे पास टाइम है नहीं, मेरा हमको भी तो पढ़ना रहता है, तो अच्छा रहेगा पीडीएफ से लाइन वाइन समझ लेंगे। आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो समझ में आएगा, बोर्ड से बता दूंगा पीडीएफ पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, तो यही सब बात है मेरे दोस्त। तो क्या बोल रहे थे, चलिए पढ़ाई की बात करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा बोलिए। देखिए पार्ट बी में आपको बहुत समझ में आएगा क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपका भैया हूँ, आपको सर को लाज नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई पुअर स्टूडेंट भी नहीं हूँ कि 40-60% लाया हूँ आप लोग को पुअर जी नहीं, मैं स्टार्टिंग से लेबोरियस स्टूडेंट हूँ, मैं तेज नहीं हूँ, मैं लेबोरियस को मेहनती हूँ मैं मानता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ। तो चलिए पार्ट बी में क्या था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतने सारे चैप्टर पढ़ेंगे, एक सेकंड कहाँ से पेंसिल कट गया, बहुत सारे चैप्टर आ गया, बहुत सारे देखिए पेन भी मेरा चलता अच्छा से नहीं है, नया पेन मंगवाया था खराब हो गया, अभी तो बनाए घर से, तो देखिए चलिए हो जाए हम लोग थोड़ा बहुत भाग्य तो लिखा हुआ रहता है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर इतने सारे हो गए, आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना कि फर्स्ट दिन है तो बहुत सारे बात को समझा रहे, एक्स्ट्रा चीज़ को बता रहे हैं, आगे से एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, बस केवल जो पढ़ाई होगा ना सिलेबस उसी को बात करते चलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे मेरे दोस्त, हाँ अभी थोड़ा सा टाइम वगैरह है ना, हम लोग अभी एडमिशन का हो चुका है फॉर्म, लेकिन देखिए एडमिशन संत कोलंबस से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बाकी मेरे बारे में सब अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें ना, 8 मिनट तक बहुत बातचीत कर लिए, अब कुछ नहीं होगा, अब सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना सारे चैप्टर हैं, तो हम लोग को पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानना होगा क्या होगा, न्यूमेरिकल देखेंगे एच सी वर्मा से देखेंगे, लेकिन एच सी वर्मा बहुत कम देखेंगे क्योंकि आता नहीं जैक बोर्ड में, ठीक है। वाई एल डी सर पढ़ाए थे हम लोग को, फिजिक्स बहुत सारे टीचर है ना, फिर वाई एल डी है पूरा एक्स्ट्रा भाजते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन तब जो भी ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आत्मदेवी भव, ये सब कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हो गया। चलिए आपको ऐसा नहीं लगा मैं इंटर साइंस में नहीं पढ़ा, मैं यहाँ कहीं नहीं, आपको घर पर रहिए सारा नोट्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, क्या टेंशन है, क्या पैसा पेरेंट्स का पैसा बचाइए ना, आगे आगे काम देगा घर में काम देगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि पैसा बहुत मायने रखता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है डिफिनेशन देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़ लिए होंगे ना, अभी तक बैठे नहीं होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर को पढ़ लिए होंगे क्योंकि जब इकोनॉमिक्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ ही रहे होंगे, तो जो पढ़ लिए होंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं पढ़े हैं बस लग जाना है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करता है, बताता है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है। लेकिन स्टैटिक्स है जब चार्ज कब, जब चार्ज रेस्ट में रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताता है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। यह एक साइंस का ब्रांच है जो कि डील्स करता है, बताता है, क्या बताता है, मैंने डील्स करना बताता जो भी कर रहा था, डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसका मैंने डील्स करता पता किसका, स्टडी करता किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक सब कुछ के बारे में स्टडी करके हमको बताता है, डील्स करता है, साइंस का ब्रांच है, लेकिन कब करता है, जब चार्ज रेस्ट में होते हैं, व्हेन, देखिए डिफिनेशन को समझ लीजिएगा, डिफिनेशन आते नहीं, लेकिन डिफिनेशन समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफिनेशन नहीं आएंगे, आगे डिफिनेशन आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट है, यूनिट किसी को समझाना होगा तो कैसे समझाइएगा, इसीलिए एक एक वर्ड एक सेकंड एक लाइन को समझ लेना है, ठीक है। चलिए तो बात कर ली, जब रेस्ट में रहता आगे पढ़िएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे का यूनिट पढ़िएगा 7 नंबर को भी है, तो उसमें क्या होते हैं,
वो भी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें भी आपको चार्ज फ्लो करेगा ना, तो उसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले रेस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद ना फ्लो करेंगे। तो चलिए चार्ज क्या होते हैं चार्ज भी देख लेते हैं। चार्ज के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं, चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, जो मेजरमेंट किए जाते हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो भी एक मेजरमेंट करने का चार्ज को मेजर करते हैं ना, कितना चार्ज है कितना नहीं है। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन द मैटर, कोई भी मैटर पे इलेक्ट्रिक, एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पर, चलिए क्या बोल रहे हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन मैटर, जिसके कारण कोई भी मैटर पे, कोई भी मैटर यानी पदार्थ पर क्या होता है ना, एक सेकंड, इलेक्ट्रिक एंड रिलेटेड इफेक्ट मतलब उस पर प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी मैटर पर चार्ज है तो चार्ज पे, मान ली हम रब करते हैं कोई भी रब किए तो रब करने के बाद क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस इधर से उधर मैटर में प्रोड्यूस होते हैं, तो वही एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस ऑन मैटर, जिसके कारण इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड और भी इफेक्ट होते हैं तो कोई भी मैटर पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज कैसे डिनोट, क्यू से डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट इसका कूलम्ब होता है, ये सब तो पढ़े होंगे क्लास 11th में ना, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। CGS यूनिट, ऐसा यूनिट बोलिएगा क्या होते हैं भैया, CGS MKS क्या होते हैं, ये सब 11th का चीज़ है, ठीक है। CGS यूनिट क्या होते हैं, तो CGS ये सब बताएं कि छोड़, CGS हो जाता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में यूनिट को मापा जाता है। स्टेट कूलम और ESU याद रखिएगा, ऐसा यूनिट कूलम होता है, ऐसा ही पूछता है, कभी कभी CGS यूनिट पूछेगा कि बताइए कि चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का CGS यूनिट स्टेट कूलम होते हैं, या फिर इसको ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट या फिर स्टेट कूलम, चार्ज का CGS यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम तो सबको याद रहता है, लेकिन CGS यूनिट भी याद रखिएगा, ठीक। अदर यूनिट ऑफ चार्ज आर, चार्ज के बहुत सारे और यूनिट होते हैं, देख लीजिए चार्ज के और भी यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि कूलम हो गया, AB कूलम और EMU छोटा में आ गया, जैसे कि ESU बड़ा में आ गया, EMU छोटा में आ गया, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस समय ही पूछता है, बस केवल पूछेगा आपको स्टैंडर्ड यूनिट और एक स्टेट कूलम पूछता है, यानी कि MKS और CGS पूछेगा, ठीक। एक सेकंड, ये भी याद रखिएगा, भी यहाँ पर टॉपिक है, हमेशा एक नंबर भी पूछता है कि वन कूलम बराबर कितने होते हैं, तो वन कूलम बराबर 3×10^9 ESU क्या था, एक सेकंड रुक जाइए, क्या बोल रहे थे, हाँ ESU है इलेक्ट्रो, क्या बोल रहे थे, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे एक स्टेट कूलम पढ़ लिया, अदर यूनिट में आपको AB कूलम आ गया, EMU आ गया, EMU हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, एक सेकंड यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा बैठे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको बोलते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक कूलम बराबर 3×10^9 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, एक कूलम में इतना यूनिट होता है चार्ज का, वैल्यू याद रखिए, ठीक है ना। तो 10 कूलम में इतना EMU, 1 EMU 10 कूलम बराबर, या फिर 1 AB कूलम इसको बोल सकते हैं, 10 कूलम में 1 AB कूलम, या फिर 1 कूलम में 3×10^9 ESU याद रखें, 1 कूलम बराबर कितना ESU। तो कूलम क्या है, कूलम कन्वर्ट करने का ना, तो कूलम आपका ऐसा यूनिट हो गया, और CGS यूनिट में आपको स्टेट कूलम हो गया, तो एक कूलम में इतना ESU यानी इतना CGS यूनिट इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, याद रखिए इसमें कोई डिफरेंट है नहीं, ठीक है। चलिए, इट इज़ डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ ब्रेथ कितना, हाइट है कितना, के है कितना, एल है कितना, एम है, पढ़ेंगे ये सभी, कितना चार्ज का है, तो ये सब क्लास 11th का कुछ टर्म है, क्लास 11th नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इसका डायमेंशन देखिएगा 80 चार्ज का होता है, अब कैसे डायमेंशन होता है ध्यान से देखिए, चार्ज बराबर क्या होता है, आई को दिखाते हैं, तो क्यू बराबर टी, यानी कि जो चार्ज पर यूनिट चार्ज जो फ्लो करता है ना, उसी को चार्ज बोलते हैं, करंट यहाँ पे आई है, तो आई जब जो चार्ज होता है क्यू, तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वही तो करंट बोलते हैं, तो यही करंट है, तो करंट यहाँ पर चार्ज को दिखा रहा है, ठीक, तो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज, एक सेकंड हो गया थोड़ा सा, हमको करंट होता है करंट, चार्ज तो क्यू है, तो पर यूनिट चार्ज जो फ्लो करता है उसी को करंट बोलते हैं, तो करंट का क्या होता है, करंट का होता है क्यू बाई टी, तो हमको क्यू का निकालना है, हमको तो चार्ज का निकालना है, तो चार्ज बराबर क्या होगा आई टी, फिर आई यानी करंट का, तो करंट का क्या होता है, तो करंट का डायमेंशन ए होता है, और चार्ज का क्या होता है टाइम होता है, तो ए टी निकल गया, तो यही हो गया, देखिए क्यू का ए टी निकाल दिया, कैसे निकलिए थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, फॉर्मूला होता है, आगे पढ़िएगा यूनिट, नेक्स्ट यूनिट में पढ़िएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि आई बराबर क्यू बाई टी, यानी कि करंट बराबर चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्यू बराबर आई टी निकल गया, तो आई का देखिए क्यू, तो आई बराबर आई का ए होता है, और ए दिखाते हैं क्यू भी दिखाते हैं, ए हम लोग मान के चलेंगे एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर होता है ए से एम्पियर, और टी टाइम का, तो एम्पियर टाइम, तो ए इंटू टी क्यू का ए टी हो गया,
एम्पियर किसका, करंट का, तो करंट करंट का एम्पियर होता है यूनिट, तो करंट का एम्पियर होता है तो करंट को होता है क्यू बाई टी। तो बात को समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छा, नहीं समझोगे तो बताइएगा कमेंट व्हाट्सएप वगैरह पूछिए कि भैया हमको समझ में नहीं आया था, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ वीडियो चलते टाइमिंग चलते रहते हैं ना, घर पर नहीं पढ़ा रहे हैं कि बार बार बताते रहेंगे, टाइमिंग चल रहे तो आगे बढ़ते चलना होगा, ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल है। चलिए, तो आफ्टर द वेरियस ऑब्जर्वेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लासीफाइड द नेचर ऑफ चार्ज। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन होंगे, इनके बारे में नाम सुने होंगे, फादर ऑफ सिविक्स भी थे, ज्योग्राफी या सिविक्स बेंजामिन फ्रैंकलिन, फादर ऑफ सिविक्स थे, तो फादर ऑफ सिविक्स बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, उसके बाद इन्होंने चार्ज का नेचर का बताया कि दो प्रकार का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और फिर निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं, और चार्ज क्या भी देख लीजिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण मैटर पे चार्ज उसके रिलेटेड इफेक्ट को प्रोड्यूस होता है, तो सब कुछ देख लिए। देखिए तो चार्ज क्या होते हैं, चार्ज इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में केवल आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ समझ में आएगा तो खुद से पीडीएफ पढ़िएगा ना, तो और समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मेरा पहले का पढ़ा हुआ ना, मैं दोबारा पढ़ के वही पढ़ा रहा हूँ, पहले से पढ़ा हुआ, मैं जस्ट पढ़ के भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी कुछ कुछ आएगा, कुछ मैं भूल रहा हूँ तो उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग को कुछ कुछ आएगा। फिर जब चैप्टर पढ़ना है खुद से पढ़िएगा, नोट्स लिखिएगा, ठीक है, टाइम है तो नोट्स लिखिए, नहीं है तो केवल पढ़ लीजिए, तो धीरे धीरे सब कुछ आने लगता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव है तो केवल पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा दोबारा देखिएगा, हमसे समझ में नहीं है तो और यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करके देखिएगा, कहीं से देखिएगा, लेकिन समझ लेना किसी भी हाल में, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहीं से समझ, जहाँ से समझना है हर टॉपिक। मान ली भैया पॉजिटिव चार्ज बताया, समझ में नहीं आया, ठीक है, बाकी समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज समझ में नहीं आया तो पॉजिटिव चार्ज सर्च करेंगे यूट्यूब में और देख लेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं। ऐसा नहीं ना कि समझ में नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है, समझना है उसको, ठीक है। चलिए, अब वैसे मैं टीचर हूँ नहीं कि मैं बता दूँगा उसको, स्टूडेंट ना हूँ ऐसा नहीं, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, कितना स्टूडेंट को समझ में आएगा कितना को नहीं भी आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, चार्ज आर जनरेटेड ड्यू टू द रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का लॉस होते हैं तो हम लोग भी जानते हैं, उससे प्लस साइन आ जाते हैं, प्लस साइन आ जाता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉजिटिव ऐसे लिख के करिए या फिर प्लस क्यू दिखाइए, क्यू मतलब चार्ज को दिखा रहा है, ठीक। एग्जाम्पल में एन ए सोडियम का देखिए, 28 जो भज दे एन ए सी एल पढ़े होंगे ना क्लास 8 में, क्लास 11 में पढ़े होंगे, भरने का ये सब होता है, तो 28 इस पीडीएफ होला तो वही है, तो 28 भरे, 1 बज के बाहरी कक्षा में, तो यहाँ पे एक निकल गया था, देखो प्लस चार्ज आ गया, तो 28 बज गया, तो प्लस चार्ज क्यू को दिखा दिया, तो ये सब सिंपल सिंपल चीज़ था। निगेटिव देख लिए, मैग्नीशियम का वही 12 होता है, तो Mg2 प्लस आ गया, 2 निकाल दिया, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो उसमें निगेटिव आन के बैठ जाता है, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे इसको माइनस क्यू से दिखाते हैं। एग्जाम्पल में क्लोरीन हो गया, एगो निकाल दिया, देखिए 7 को है, एगो दे दिए इसमें, तो 8 को हो गया, तो निगेटिव चार्ज आएगा। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं, इसमें 7, इसमें 6 थे, तो 2 और ले लिए, तो 2 और ले लिए, तो यहाँ पे KL है, एक के एल एम से पढ़े होंगे ना, 2, 8, 8, 18, 32, तो 2 भरे, 8 भरते तो 6 भरा, क्योंकि 8 ही होते हैं, तो 6 में 2 और भरना होगा ना, तो 2 और भरना होगा, तो 2 और हम ले लिए, बाहर से ले लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव 2 और बढ़ गया, 8 हो गया, फुली हाफ फिल्ड फुलफिल होता है ना, फुली यहाँ फुलफिल हो गया। तो ये सब बात सिंपल बात है, कल 11th से पढ़ा हुआ बात है, कोई विशेष रूप से अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहाँ तक पढ़े हम लोग, निगेटिव चार्ज देख लिए, इसके बाद देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज को कैसे मापा जाता है, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्जर्व बाय द डिवाइस नेम इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप याद रखिएगा, एक नंबर पूछ सकता है कि किस डिवाइस से हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे चार्ज को मेजर किया जाता है, एक नंबर का यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, इसको ऐसे करके बॉक्स में घेर लीजिए। चलिए आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर लॉस और गेन। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि चार्ज तभी होते हैं जब इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होते हैं या फिर लॉस होते हैं, तो वही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी चार्ज तभी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस, ट्रांसफर किसी भी फॉर्म हो सकता है, अगर गेन भी करता है तो गेन किया तो निगेटिव चार्ज, लॉस किया तो लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज, तो गेन करे लॉस करे किसी भी करके, तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है कि चार्ज किसी बॉडी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने से चार्ज होता है, अब ट्रांसफर लॉस के फॉर्म में हो या गेन के फॉर्म में हो, अगर लॉस के फॉर्म में होता है तो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज, गेन के फॉर्म में होते हैं तो निगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। वेरियस मास विथ वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज, अब चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, शायद क्लास 12 में पढ़िएगा, तो हम लोग को डिफरेंस नहीं देखना है, हम लोग को देखना है कि वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज, चार्ज के साथ मास में कैसे वेरिएशन होता है। याद रखिएगा, मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट नहीं करेगा,
हमारे अंदर मास है तो उसके अंदर चार्ज है, लेकिन चार्ज है तो उसके अंदर मास नीड नोट भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जरूरत नहीं है कि वहाँ चार्ज होगा ही, याद रखिएगा। चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है विदाउट चार्ज। तो वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज, चार्ज के साथ मास में कैसे वेरिएशन होता है इसको भी देख लीजिए, बहुत आसान टॉपिक है। वेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो हम लोग का माइंड में आएगा कि पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस है, यानी कि उस पर प्लस प्लस बनेंगे। तो जब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं देन मास इज डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो मास घटेगा। वेन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट्स मास इज इंक्रीज, जब नेगेटिवली चार्ज हो गए इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वजन बढ़ाएंगे, वजन बढ़ाएंगे तो मास इंक्रीज कर जाएंगे। बात को समझ गए ना, तो क्या बोलेगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने का क्या क्या मेथड होंगे, क्लास टेंथ में पढ़े होंगे, इंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, भूल गए होंगे तो कोई भी क्लास एट में पढ़े होंगे। चलिए एक सेकंड, मेथड देखिए क्या क्या मेथड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज इन ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग, चार्ज को इंड्यूस करवाना है, उसके अंदर उत्पन्न करवाना, उत्पन्न करवाना को बोलते हैं इंड्यूस करवाना। तो मेथड द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, चार्ज को उत्पन्न करवाना इन ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग, उसी को चार्जिंग बोलते हैं। मोबाइल चार्ज कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल के अंदर इंड्यूस करवाओ चार्ज को, ठीक है। तो वही प्रोसेस जो होता है ना इंड्यूस, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग, चार्ज को इंड्यूस कराना उसी को चार्जिंग बोलते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, देयर आर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के तीन मेथड होते हैं। पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय रेडिएशन सॉरी फ्रिक्शन, और चौथा होता है, सॉरी तीन ही होते हैं ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। VVI टॉपिक है, VVI टॉपिक, इसको आपको VVI टॉपिक मारना होगा। VVI हमेशा पूछता है, इंडक्शन पूछे, कंडक्शन पूछे, फ्रिक्शन पूछे, एक रेडिएशन होता है जो हम लोग अभी नहीं पढ़ना, तो यहाँ पे तीन ही पढ़ना, तीन ही को समझिए। पहला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन देखिए, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी रहेगा, एक चार्ज बॉडी रहेगा, चार्ज अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी को टकराएंगे तो उसे चार्ज होगा, कैसे, बाय मूविंग ए फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द चार्जिंग बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्ट करवाना, कंडक्ट करवाना यानी फिजिकली कॉन्टेक्ट करवाना। तो जब दो बॉडी को फिजिकली कॉन्टेक्ट करवाते हैं ना, एक होता है अनचार्ज बॉडी, देखिए बहुत अच्छा बना पीडी, एक अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी, तो दोनों बॉडी को जब हम फिजिकली टच कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल कॉन्टेक्ट, तो वही होता है चार्जिंग में कंडक्शन, एक दूसरे बॉडी चार्ज हो जाता है। कैसे देखिए, दोनों को सटा दिया, यहाँ पर चार्जिंग में कंडक्शन कर रहे, दोनों बॉडी को सटा दिए, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव आ गया, टच करते यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कब, चार्जिंग बाय कंडक्शन में। चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, वन बॉडी विथ चार्ज एंड अनदर बॉडी विदाउट चार्ज। बात को समझ गए। चलिए स्टेप देख लेते, इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में काम होते हैं। फर्स्ट स्टेप देख लिए, दो बॉडी थे अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी, सेकंड स्टेप में देख लिए दोनों को टच करा दिए, और थर्ड स्टेप में देखे कि दोनों बॉडी चार्ज हो गए, सेम चार्ज जो इस पे चार्ज था वही चार्ज इस पे भी ट्रांसफर हो गए, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बोथ बॉडी, बोथ हैव द गोट द सेम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों पर सेम नेचर का चार्ज वहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोनों पर अपोजिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम नेचर के होते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग में इंडक्शन, इंडक्शन मैंने क्या, इंड्यूस क्या बोले, उत्पन्न करवाना, उत्पन्न करवाएंगे बिना टच किए हुए, उसके अंदर टच नहीं करवाएंगे। देखिए कैसे, तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी, यहाँ पर भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना होगा, वही प्रोसेस है, विदाउट मेकिंग इट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट किए, याद रखिए कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, सी फॉर कंडक्शन, सी फॉर कंडक्ट, लेकिन इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं, इंडक्शन में उत्पन्न करना होता है तो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। विद द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्ज बॉडी के साथ अनचार्ज बॉडी को टच कराते हैं तो उसी को वहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, दोनों पे चार्ज हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देख ले, थोड़ा सा देख ले, देखिए दो बॉडी है, दो बॉडी ने आप एक ही बॉडी दोनों को टच करवा दिया, मतलब कि तो यहाँ पे अनचार्ज हो गया, ये बॉडी है, एक अलग से बॉडी यहाँ पर लाए हम, उसके नज़दीक में लाएँ, टच नहीं कराएंगे, सेकंड स्टेप में एक अलग से बॉडी को लिया, ठीक है। अब स्टेप थ्री में दोनों को अलग अलग करें, यहाँ पे दो दो बॉडी है ना, तो दोनों बॉडी को अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों बॉडी पे, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा क्यों हुआ, दो बॉडी थे, इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज वाला बॉडी लाए, तो चार्ज वाला बॉडी को पास में लाए तो क्या होता है ना कि चार्ज यहाँ से ट्रांसफर यहाँ होंगे, इधर पॉजिटिव आएंगे मेरे दोस्त, यहाँ से पॉजिटिव इधर आएंगे, तो यहाँ पर निगेटिव वाला भागेगा ना, तो निगेटिव वाला भागेगा तो इधर निगेटिव होगा, यानी कि इस पर निगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, दोनों को टच करिएगा, एक को ढकेलेगा, धक्का देगा तो दूसरा चार्ज भागेंगे, ठीक है। बोलिएगा कि भैया एक सेकंड, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते, देखिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर दो बॉडी थे,
यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज को बॉडी को लाए तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, जाहिर सी बात है रिपल्सन होंगे, भागेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भागना स्टार्ट करेगा, इधर पॉजिटिव आ गया तो यही भागना चार्ज करेगा, क्योंकि कोई भी बॉडी पर चार्ज होते हैं ना, चार्ज तो हमेशा रहते हैं, तो आए तो दोनों भागेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जब भागेगा मेरे दोस्त, जब भाग इधर आएगा ई एरिया में आएगा, यहाँ पर जब आने के कारण यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है बगल के, तो उसको दूर दूर धीरे लेगा। यहाँ से यहाँ पर देखिए, रुक जाइए हमको थोड़ा सा, हाँ ठीक था। देखिए यहाँ से पॉजिटिव भागेगा इधर, ठीक है ना, यहाँ से निगेटिव खींचेगा, इधर से निगेटिव वो खींचेगा, तो इधर निगेटिव आ, इधर पॉजिटिव, दोनों खींचेगा, यहाँ से भागेगा इधर खींचेगा, तो खींचेगा तो इधर निगेटिव आ जाता है, इधर पॉजिटिव आ जाता है। इसको तो 3D में देखिएगा ना यूट्यूब पर पिक्चर, तब अच्छा से समझाता है। मैं यहाँ पर 3D में कैसे बताऊँ, लेकिन उसको देखेगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। खैर अगर नहीं भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर निगेटिव इसके ऊपर आ जाता है, पॉजिटिव इधर भाग जाता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव इसको खींचता है, दोनों दोनों साथ में पॉजिटिव निगेटिव भागते हैं, और यहाँ से पॉजिटिव इधर भागता है, ठीक है ना। तो इधर इधर निगेटिव भर जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव भर जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, इधर से निगेटिव आ गया, दोनों टच एक दूसरे को, इधर निगेटिव बच गए, इधर पॉजिटिव बच गए। तो काफ़ी डिटेल में हो जाता है, 3D में हम देखे थे यूट्यूब पे एक बार, तो वही हम बता रहे हैं। हाँ नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं, तो 3D में आप भी देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो छोड़िए उतना क्या समझना है, बस बात को समझिए कि इंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है। तो इंडक्शन में दो बॉडी रहेंगे, यहाँ पर दो बॉडी से एग्जाम्पल दिया, एक ही बॉडी रह सकता है, लेकिन दो बॉडी में ट्रांसफर करवाता है ना, इसलिए दो बॉडी अनिवार्य हो जाए, दो बॉडी है, एक अलग से बॉडी लाकर टच करवाएं तो क्या होता है ना कि ट्रांसफर होकर एक पर निगेटिव एक पर पॉजिटिव। यहाँ पे यही याद रखना है कि कंडक्शन में दोनों पे सेम चार्ज हो रहे थे, यहाँ पे दोनों पे अपोजिट चार्ज होंगे, बस यही मैं बताना चाहता हूँ, बस बाकी आप नहीं समझे वो सब तो छोड़िए, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में अलग अलग चार्ज, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव आ गया, पूरा बॉडी में फैल गया, ठीक। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन बोथ द बॉडीज, दोनों बॉडी में क्या होंगे, गोट अपोजिट चार्ज, याद रखिए दोनों बॉडी में अपोजिट चार्ज, कंडक्शन में सेम, इंडक्शन में अपोजिट, ठीक है। चार्जिंग में फ्रिक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्जिंग में फ्रिक्शन कैसे होते हैं देख लीजिए इसको भी, एक सेकंड मेरे दोस्त। चार्जिंग में फ्रिक्शन में क्या करना होगा, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी बाय रबिंग इट्स विद द क्या हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी, इसको चार्जिंग में फ्रिक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी, हमेशा अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जाता है, यहाँ पर रब करेंगे चार्ज बॉडी के साथ, रब करेंगे, एक में फिजिकली कॉन्टैक्ट कर रहे थे, एक में फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर रब करना रगड़ना होगा, उसके बाद चार्ज होंगे। सब एग्जांपल ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन कैसे, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, जैसे ग्लास है, सिल्क है, वुड, एम्बर, ऊल, रबड़, ठीक है, ह्यूमन हेयर, प्लास्टिक, प्लास्टिक कॉम्ब, ये सबको रब करिएगा ना, देखिएगा ह्यूमन अपने हेयर को, अपने बाल को प्लास्टिक कॉम्ब से करिए तो उसमें चार्ज आ जाते हैं, चार्ज आएंगे तो उसको टच करिएगा, देखिएगा पेपर वगैरह उठा उठते हैं, तो दोनों पर चार्जिंग एक दूसरे पर, एक अनचार्ज होता है, मान लीजिए आपका जो कंघी है या आपका बाल है, तो किसी एक में चार्ज होगा, एक अनचार्ज होगा, कंघी आपका जो कंघी है चली उस चार्ज नहीं है, बाल में रगड़ दीजिएगा दोनों पे अपोजिट चार्ज हो जाएंगे, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, बात को समझ गए। तो तीनों को समझ लीजिएगा, तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। तो बस इतना के बाद एक और बहुत ही खास प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं चार्ज का, तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और खुश रहेंगे, बम बम रहेंगे। चलिए अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देख लीजिए, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव आगे देखेंगे, यहाँ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वालिटी और क्वांटिटी समझते हैं, गुणात्मक और क्या है मात्रात्मक जो हिंदी में होता है। तो देखिए लाइक चार्जेस, क्वालिटी दिखा रहा है कि लाइक है कि अनलाइक है, तो लाइक रहेंगे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों निगेटिव निगेटिव, वही देखिए दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव निगेटिव, एक बॉय एक गर्ल अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बॉयज बॉय तो भाएगा, तो होता है बॉय नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों दो नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा और एक नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चार्ज का नेचर होता है, और तो नेचर में पहले जब प्रॉपर्टी में हम लोग देखें कि क्वालिटेटिव नेचर में देख रहे हैं कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, सॉरी लाइक चार्ज, एक सेकेंड इसका डिफिनेशन क्या था, लाइक चार्ज दोनों सेम है तो सॉरी मिस्टेक हो गया, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यही आपका क्वालिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए आप लिखा हुआ है, देखिए दोनों एक लाइक है, लाइक लाइक है तो रिपल्सन, दोनों नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, लेकिन दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन, तो लाइक चार्ज रिपल्सन रिपल ही कर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये कोड में याद रखिएगा, ये सब क्लास 10th का पढ़ा हुआ सिंपल सिंपल टॉपिक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी, इफ द Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन जीरो तो नेचर इज रिपल्सिव, कैसे, क्योंकि जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस भी है तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस में प्लस प्लस है तो पॉजिटिव होगा, यानी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है रिपल्सन होगा, रिपल्सन क्यों होगा कि दोनों या तो निगेटिव है या तो पॉजिटिव है,
दोनों या तो निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा नहीं, तो हमेशा यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव में आएंगे तो पॉजिटिव में आएंगे तो रिपल्सन, लेकिन निगेटिव आएंगे एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो चार्ज अट्रैक्टिव होगा, जीरो से छोटा रहेंगे तो निगेटिव आएंगे तो क्या होंगे अट्रैक्टिव। ये हमेशा पूछे एक नंबर में हमेशा यहाँ से पूछेगा कि Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होंगे एंड Q1 Q2 लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो निगेटिव, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्शन, और दोनों पॉजिटिव है जीरो से बड़े हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सिव नेचर का दिखाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख रहे थे सेकंड प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज उथा क्वालिटेटिव नेचर, आपको देख रहे हैं क्या है एडिटिव नेचर, एडिटिव क्या है नेचर ऑफ चार्ज में देखिए तो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ ए बॉडी या सिस्टम, कोई भी सिस्टम या बॉडी में जितना चार्ज होते हैं ना तो सारे इंडिविजुअल एक एक चार्ज हैं तो सारे चार्ज को जोड़ के पूरा बॉडी को चार्ज को मापा जाता है, पूरा बॉडी का चार्ज क्या है तो होता है एडिटिव, यानी कि ऐड करने वाला जो नेचर होता है तो सारे छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करके पूरा बॉडी सिस्टम का चार्ज के बारे में बताता है। लेट अस कंसीडर, देखिए समझिए इसको कैसे है, कंसीडर सिस्टम ऑफ क्यू वन क्यू टू चार्ज है बहुत सारा क्यू एन तक है, चार्जिंग देता टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितने तो क्यू बराबर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री सबको जोड़ दीजिए ना तो वही होता है टोटल चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास पड़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होते हैं क्या होते हैं द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम एक अलग सिस्टम मैटर कुछ भी है तो उसका जो चार्ज होगा नेट चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड भी बोल सकते हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ मास था तो उसी प्रकार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होते हैं। ठीक, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड लिखते हैं यहाँ पर और नॉर बी डिस्ट्रॉयड लिख सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं बाकी इसको हम लोग क्या क्रिएट नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आता है, क्या आता है देख लीजिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या होते हैं ट्रांसफर ऑफ वन बॉडी फ्रॉम अदर बॉडी, देखिए एग्जाम्पल देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है मास है, इसको हम लोग थोरियम में हीलियम में और नियोन में सॉरी थोरियम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का तीन एटम, हीलियम का एक एटम और थोरियम का इतना एटम, इस एटॉमिक मास है तो बदल दिए मास सेम है, देखिए 231 प्लस 4 35 और यहाँ पे 136 तीन मास यहाँ पे आएंगे 37 38 38 होना चाहिए ना तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट चेंज हो गया, टोटल जोड़िएगा एक सेकंड 90 और 2 92 एटॉमिक नंबर 92 हो गया, यहाँ पे 231 है तो यहाँ पर 4 है तो 31 और 4 35 हो गए और हमको चाहिए कितना तीन चाहिए तो तीन यहाँ पे है ना देखिए एक और तीन इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 35 तो मास सेम हो गया तो सब कुछ सेम हो गए बस क्या होगा एक यूरेनियम से तीन यूनिट में बढ़ गया, तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज केवल ट्रांसफर होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या फिर अदर यूनिट में। ठीक है, इधर थ्योरेटिकल टर्म है इधर दिक्कत नहीं होगा, आगे से डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट होंगे ना तब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। चलिए फोर्थ नेचर को देख लेते हैं, फोर्थ नेचर को देख लेते हैं, आज कितना बड़ा वीडियो होगा थोड़ा सा छोटा ना, चलिए ठीक है थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा ना, ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा सिलेबस है जितना कवर होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी टाइम है थोड़ा बना भी हम लोग अगर ज़्यादा बिजी होंगे तो कम कम वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वीवीए टॉपिक, ये भी वीवीए टॉपिक है क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएंगे तो हमेशा डिफिनेशन पूछेगा और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन हर बार आता है हर बार, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज, एक बेसिक चार्ज होता है ठीक है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो कि टोटल चार्ज होता है। तो बोलिएगा भाई यहाँ पे तो एडिटिव नेचर में बोले कि टोटल चार्ज होता है हर एक बॉडी को जोड़कर, हाँ हर एक बॉडी को जोड़ के टोटल चार्ज होता है लेकिन उस टोटल चार्ज का एक बेसिक इकाई यूनिट होता है उसी यूनिट को मल्टीप्लाई करके हम लोग चार्ज के बारे में बताते हैं कैसे, देखिए देखिए दोनों में अंतर क्या हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में, एडिटिव नेचर चार्ज है कि बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज हैं उसको ऐड करके एक चार्ज बना दिए, यहाँ पे एक चार्ज है वही जो एक चार्ज बना अब उस चार्ज का बेसिक यूनिट होंगे ना जो छोटे छोटे से उनका है बेसिक यूनिट, तो वही बोल रहा है कि जो एक चार्ज होते हैं एक चार्ज तो उसका एक बेसिक यूनिट होता है, तो वही बोल रहा है कि बेसिक यूनिट का मल्टीपल होता है तो वही चार्ज उसी सब को चार्ज को जोड़ के एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बनाते हैं। ठीक है, वो छोटा पार्ट है बड़ा पार्ट है मतलब एक छोटा पार्ट के सबको जोड़ के एडिटिव में बड़ा बनाते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का टोटल चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज जो हम लोग पढ़ते हैं कि क्यू बराबर एनी फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, तो क्यू क्या होगा चार्ज होगा, एन क्या होगा एन नंबर हो गया और ई क्या होगा ई आपका बेसिक चार्ज है। ठीक है, तो बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.9 × 10⁻³ कितना होता है 36 तो उतना बेसिक चार्ज होगा। तो फॉर्मूला एन क्या है, एन कोई नंबर है 1, 2, 3, 4 एन फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक चार्ज है बेसिक चार्ज का 1.6 है ना 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम जो चार्ज का चार्ज याद रखिएगा हमेशा इसको याद रखना होगा कि चार्ज का बेसिक यूनिट क्या होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम।
तो यह आपका बेसिक चार्ज हो गया। कितना भी बॉडी में चार्ज है ना तो एक चार्ज ये रहेगा, इसी से मल्टीप्लाई करके 10 × 5 × 18 जो गुना एन है, एन क्या है मल्टीप्लाई, एन की जगह 5 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है। एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है यानी कि इंटीजर के फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगा, हमेशा एन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने 8, 5, 12 इंटीग्रल में, एक इंटीग्रल वैल्यू रहता है। तो बहुत ही अच्छा है क्यू बराबर एनी, बहुत न्यूमेरिकल भी यहाँ से आते हैं, क्यू बराबर एनी से न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो ये टॉपिक को समझिए, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए कंडक्टर से सिंपल सिंपल टॉपिक है, इंसुलेटर क्या होते हैं ये सब बाद में स्टार्ट, कूलम ला हम लोग स्टार्ट में करेंगे बाद में, ठीक है ना। कूलम ला से आज का वीडियो बड़ा न हो जाए, इसीलिए कूलम ला वगैरह बाद में देखेंगे, इसका डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट होंगे। और इसमें जो दो चैप्टर थे कूलम ला खत्म कर दे, नहीं कूलम ला से आगे पढ़ेंगे ना, वीडियो ज़्यादा बड़े होंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम ला, वेक्टर पोजीशन, तो कूलम ला जो है ना आगे से स्टार्ट करेंगे। आज बस यहाँ से कंडक्टर इंसुलेटर खत्म कर देते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाएंगे नहीं, तो आज कूलम ला वगैरह है ना आगे पढ़ेंगे। आज बस क्या कंडक्टर और इंसुलेटर को खत्म कर देते हैं, ये पढ़ेंगे ना क्या होता है इंसुलेटर, क्या होता है कंडक्टर। दो मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दम इज कॉल्ड कंडक्टर, वैसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने अलाउ करते हैं, एक सेकंड, जो अलाउ करते हैं तो कंडक्टर होंगे, सिंपल क्लास 10 से पढ़े होंगे, आयरन होंगे, कॉपर होंगे, ह्यूमन बॉडी होगा, ठीक है, ETC। उसके बाद इंसुलेटर जो अलाउ नहीं करते हैं, इंसुलेटर जो दो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दम इज कॉल्ड इंसुलेटर, प्लास्टिक वगैरह बड़े वगैरह, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, आपको होमवर्क है, डू योर सेल्फ, आप लोग भी यूट्यूब से गूगल से जहाँ से करना होगा खुद से लिखना है कि चार्ज क्या होते हैं, मास क्या होते हैं, हम बताए थे कि मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, सॉरी चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, एक डिफरेंस होगा, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना, इसका केजी होता है, इसका कूलम होता है, यूनिट वगैरह, तो देखिएगा डिफरेंस लिख के, ना होगा तो टेलीग्राम पे करिएगा, हम कॉपी को देखेंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। कूलम ला जो है ना आगे से पढ़ेंगे, कूलम ला एंड वेक्टर फॉर्म, कूलम ला बहुत बहुत थोड़ा आगे बड़ा टॉपिक है, तो इसको आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ना, बहुत सारा बात देखिए, बहुत सारा इंट्रोडक्शन करना, कुछ कुछ टॉपिक बेसिक था, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, तो बस आज इतना ही करेंगे, बाकी कूलम ला जो है ना फर्स्ट चैप्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट चैप्टर खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट, तो उसी का पार्ट है कूलम ला, तो कूलम ला हम लोग आगे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, अगर वीडियो एक घंटा का बनाएंगे ना तब एक चैप्टर खत्म होंगे, तो मैं एक घंटा का नहीं बनाना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा 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 क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है, बस मेरे दोस्त आज के इतना ही, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सपोर्ट दिखाइए तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मैं कुछ कर पाता हूँ, ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।